देखिए सामने स्क्रीन पे आ रखा है टेनफेक इंडस्ट्रीज, एक गजब की क्वालिटी कंपनी है, जॉइंट सेक्टर कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप और टिडको जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उनकी है। और अनिल जी ये आपसे सिर्फ एक दो साल छोटी कंपनी है, आई थिंक 49-50 साल पुरानी कार्यरत कंपनी है। इनफैक्ट मैंने पहले भी ये स्टॉक को दिया हुआ है और गजब के रिजल्ट्स ये कंपनी दे रही है। पिछले आप देखिए 5-7 क्वार्टर जो है गजब के गए हैं कंपनी के, और बिरला ग्रुप की कंपनी उसमें भी आदित्य बिरला ग्रुप की शेयर होल्डिंग है तो उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। केमिकल्स की कंपनियां वैसे ही बहुत अच्छा कर रही हैं तो उससे और एक ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि केमिकल सेक्टर की, और लीडिंग प्रोड्यूसर रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और इसके डेरिवेटिव्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में जो माहौल बना हुआ था उसकी वजह से एक ऑलरेडी माहौल तो तेज तो हुआ ही है, साथ में वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। सिर्फ 13 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35 का और जीरो डेट कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है 48% की, 3 साल की 22% की, और ओपीएम्स भी बहुत ही जबरदस्त 23% के लगभग, और दिसंबर 2020 में 10 करोड़ का पैट था उसके सामने दिसंबर 2021 में 15 करोड़ का पैट है। और शेयर कैपिटल भी अगर देखें तो छोटी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 10 करोड़ की शेयर कैपिटल है उसके सामने। मैं शेयर होल्डिंग को देख रहा था तो शेयर होल्डिंग में तमिलनाडु गवर्नमेंट तो है ही है, टिडको बिरला है, फिर बाद में पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ 3 बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है जिससे कि और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल आई फील कि एक अच्छी पुरानी कंपनी, एज ओल्ड कंपनी जो कि बहुत बढ़िया कर रही है, और मेरे हिसाब से ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट्स देने के बाद और कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि मैं अब जो अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रहे हैं उन पे और ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सो दैट रिस्क रिजल्ट वाली तो नहीं रहे, बाकी मार्केट वाली रिस्क है उससे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट उसका एक और अच्छा निवारण यह है कि अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक्स, पुरानी कंपनियां जहां ग्रोथ भी हो डेट्स भी नहीं हो, उन कंपनियों को देखना चाहिए, और अच्छी पेडिग्री वाली उनमें से ये एक कंपनी है। 690-730 का टारगेट और 780 का ये हाइज बना चुका है।